नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। मास्टरमाइंड राकेश रंजन उर्फ रॉकी की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद सीबीआई को नीट पेपर लीक मामले में बड़े सुराग मिले हैं। बुधवार को सीबीआई ने पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया था। इनमें से 3 को पहले हिरासत में लिया गया। एक मेडिकल स्टूडेंट खुद सीबीआई के सवालों का जवाब देने पहुंचा। पूछताछ के बाद सीबीआई ने 4 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और सभी को रिमांड पर ले लिया। जानकारी के मुताबिक इनसे पूछताछ के बाद झारखंड के रीम से भी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। सूत्रों का कहना है कि पटना के एक और अस्पताल में भी सीबीआई दस्तक दे सकती है। इसकी जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सभी के तार जोड़ने में लगी है। शीघ्र ही इसके आधार पर पटना और दरभंगा में कार्रवाई कर सकती है। बता दें, पटना एम्स में हिरासत में लिए गए 4 डॉक्टर के लैपटॉप और मोबाइल को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। इन पर पेपर लीक केस में संलिप्त होने का आरोप है। सीबीआई हिरासत में 4 में 3 डॉक्टर 221 बैच के स्टूडेंट्स हैं। सीबीआई ने इनके हॉस्टल के कमरों को भी सील कर दिया। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल गुरुवार को इस मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पटना एम्स के किसी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया। सीबीआई टीम 3 छात्रों को अपने साथ ले गई। जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो एक छात्र हॉस्टल में नहीं था। बाद में उसने सीबीआई कार्यालय जाकर सरेंडर किया। अगर नीट पेपर लीक कांड की बात की जाए तो इस मामले में रॉकी अब तक का सबसे बड़ा राजदार बनकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि रॉकी की ओर से सीबीआई के सामने छात्रा का नाम लिया गया, जिसमें उसने बताया कि पेपर सॉल्व करने वाले एमबीबीएस छात्रों का भी हाथ है। इसी के बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। वहीं पिछले दिनों सीबीआई ने पंकज नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। पंकज के तार हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से जुड़े थे। ट्रक से पेपर चुराने में भी पंकज का ही हाथ था। फिलहाल सीबीआई के हाथ छोटी मछलियों तक तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन संजीव मुखिया की तलाश जारी है, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड या सबसे बड़ा राजदार हो सकता है।